खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज और सार। बस्ती जिले में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथरस की घटना को लेकर फव्वारा चौराहे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुतला दहन के दौरान पुलिस व कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर छीना-झपटी हुई। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। कार्रवाई के लिए कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज जब ये घटना प्रचारित हुई, जब कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई उस दलित बेटी के लिए, तो आज प्रधानमंत्री जी, चाहे मोदी जी, चाहे योगी जी, सब लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले कहाँ थे वो लोग? आज 15 दिन हो गया उस बेटी को साथ बलात्कार हुए, उसके साथ ये जो निर्मम हत्याकांड हुआ है, हत्या ही कहा जाएगा, इसके पीछे कहाँ थे वो लोग? अभी तक क्यों नहीं FIR हो रहा था, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही थी? लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी इस बात को उठाती है, उसके लिए लड़ाई लड़ती है, उसके परिवार के लिए लड़ाई लड़ती है, तो आज मोदी जी भी उसको देने के लिए जाएंगे और योगी जी भी। आज की नई घटना नहीं है, लगातार अभी तमाम जो नरसंहार हुआ उसके बाद भी राहुल जी, कहना प्रियंका जी जब जाना कोशिश की तो उनको गिरफ्तारी की गई। बराबर हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष को रोज हमारे गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं भी जाना चाहते जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन का रवैया रहा है और जिस तरीके से जब ये वीडियो वायरल हुआ, मीडिया में चला, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, क्या कहेंगे किस तरीके से इनकी व्यवस्थाएं? धरने पर बैठे कांग्रेस के दर्जन भर कार्यकर्ताओं को कोतवाली पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है, ऐसे में प्रदेश की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।